प्रसन्न दाम्पत्य की ये छोटी सी फॉर्मूला, पति अपनी पत्नी को प्यार दें और पत्नी अपने पति को आदर दें, और दोनों की स्वतंत्रता पर हमला मत करना, जिसको परम तत्व को मानते हो उसकी थोड़ी आराधना करें, प्रसन्न दाम्पत्य। लेकिन इतना नहीं हो पा रहा, मैं करीब करीब शादियों में जाना छोड़ रहा हूँ कि मैंने जहां जहां आशीर्वाद दिया किसी का ठीक चला ही नहीं। मैंने कहा मैं बार बार फेल होता जा रहा हूं, अब ये धंधा करने जैसा नहीं। जब लोग बहुत कहते तो जाना पड़ता है, लेकिन शादी देखकर मैं मन में बस एक ही प्रार्थना करता हूं कि संकट से हनुमान छुड़ावे इन दोनों को। हनुमान जी पाप युवान भाई बहन मेरे फ्लावर्स, मेरी मानस वाटिका के फ्लावर्स, कथा तुम्हारे दिल तक पहुंचे तो दाम्पत्य को खुशबूदार बनाना, केवल इतना ही करना है, ये नहीं हो पा रहा, बड़ी मुश्किल। पति पत्नी गोवा गए, जीसस क्राइस्ट का इतना बड़ा स्टेचू देखकर पत्नी बहु भाव में आ गई और जीसस क्राइस्ट के चरण छू कर गए, ऐसा ऐसा कुछ करने लगे। पति का दिमाग गया, क्या कर रही, बोले चरण छू रही, तो उसका छूती हो कभी मेरा भी छू। उसने कहा तू भी लटक जा, रे वादियो कहीं वादो नहीं, तू तर पग नहीं धरती कहीं वादो, रहो अपने अपने नहीं कि पग जमीन हारा ना लटक्या पीछे आओ नीचे आम आम लटक्या करे ना करता, रे वादे। ए भाई गोल खाई चौकड़ा कमे, इसलिए प्रेम है एक नगीना, प्रेम है मणि, करुणा और सत्य के संपुट में रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रेम। ये रामचरितमानस के विचार है, इधर उधर ये आपके पास। कल परसों किसी ने मुझे पूछा था कि गीता इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग आदि आदि। तो हर एक जगह ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या क्यों लिखा है? तो एक प्रश्न मेरे पास आया था कि गीता ब्रह्म विद्या है तो रामचरितमानस क्या है? अब ये मेरी व्यक्तिगत निष्ठा है, मैं कहूँगा कि गीता ब्रह्म विद्या है तो मेरे लिए रामचरितमानस परम विद्या है। विद्या के कुछ वर्गीकरण है, योग विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भगवद गीता अध्यात्म विद्या, वेद विद्या। हमारे भाणदेव जी, आदरणीय भाणदेव जी ने काम किया, उसने कितने प्रकार की विद्या की बातें कही, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, वेद विद्या, मैंने तो उसमें एक जोड़ा लोक विद्या, यास लोक भी विद्या, लोक विद्या। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए रामचरितमानस मेरी परम विद्या है, और ये रामचरितमानस का दर्शन गुरु कृपा से मैं आपके सामने संवाद के रूप में कर रहा हूं। तो धर्म न दूसर सत्य समान, तो ये सत्य प्रेम करुणा। मैंने कभी सूत्र के शब्दों की क्रीड़ा करते हुए भी आपको बताया था, फिर उसको दोहराऊं, सत्य लिया जाए, सत्य लिया जाए, जहां हो वहीं से लिया जाए। सत्य लिया जाए
प्रेम दिया जाए, प्रेम दिया जाए और करुणा में जिया जाए, करुणा में निरंतर जिया जाए, प्रेम लिया जाए, सत्य मेरे पास सत्य नहीं सही खैर, लेकिन तेरे पास है ना, ला मैं लूं, मेरे में नहीं है, आधा ही सही मेरी तरफ जाम तो आया, आधा ही सही। याद रखना मेरे युवान भाई बहन, सत्य लिया जाए, प्रेम मांगो मत दिया जाए, दो 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 बस, सत्य लिया जाए, प्रेम दिया जाए और करुणा में जिया जाए। कई लोगों के पास बहुत अर्थमानी पैसा, एक स्थूल रूप में धन, कई लोगों के पास मबलक धन होता है लेकिन अर्थ दर्शन नहीं होता, अर्थ प्रदर्शन होता है। देश को जरूरत है अर्थ दर्शन की। कोई ऋषि मुनि ने अर्थ का इनकार नहीं किया है, क्योंकि अर्थ ही एक एक, एक पुरुषार्थ है हमारे यहां, इसका इनकार नहीं। मैं कितनी ही त्याग की बातें करूं, अर्थ को गालियां दूं, लेकिन रोचेस्टर आने के लिए प्लेन में आना पड़ता है, प्लेन में आना हो तो टिकट लेनी पड़ती है, टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, अर्थ के बिना यहां कैसे पहुंचे। कई लोग आज तक मेरी आलोचना करते हैं कि पहले तो बापू बैलगाड़ी में कथा करने जाते थे, अब तो चार्टर में जाते, तो हमें मारे रोचेस्टर बैलगाड़ा में केम आऊ ही मैंने बताओ। अशोक भाई तुम्हें बैलगाड़ू मोकलो तलका चढ़ा और तुम भिग आओ लेवा मना, केम आऊ जरा सोचो तो सही, ऐसी आलोचना करते। और कई लोगों ने कभी भी बैलगाड़ी में जाकर कथा नहीं की, वो निवेदन कर रहे हैं कि हम बैलगाड़ी में जाकर कथा करते, गलत। मन क्रम बचन क्लबार ते वक्ता यही काल मा, कैसे आप कहो। मैंने तो किया है तो पगे चालीन कथा करी, प्रमाण भिखारम काका हूं, पगे चालीन है, तलगा जरड़ा थी उमणिया वदर अने मऊआ थी उमणिया वदर, पगे चालीन कथा करवा जवा, एक महीनो, फिर बस बैलगाड़ा आया, फिर हफ्ते से साइकिल ली, एट लास यार काई जेवी देवी साइकिल, हफ्ता थी मुरारी बापू ने साइकिल खरीदी। ये तमें बाइक ने एमा फरो एमा कोई आनंद नहीं जे ई साइकिल नो आनंद, भले पंचर पड़े, कारण के साइकिल होय पण पंप न होय, पंप न होय, अने पहला पंक्चर पड़े त्यारे एने जे करवा पड़ता था, कोक ने घरे जईने एक सबला में पानी लईए, ट्यूब काढ़िए, एमा ओलू खोलवू पड़े, पछी ट्यूब बार काढ़ो, पछी ओला त्रास जेवू एमा पानी, एमा ट्यूब आपणे बोळीए हवा भरी एटले जा काणू पड़ी जा बड़बड़ 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 एने अहीं पकड़वानू, पछी घसवानू बीजू न होय, नळियू लईए, દેશી નળિયું, એ નળિયાથી એને ઘસીએ, કારણ કે પેલું ચોંટાડવા માટે, અને પછી કાતરથી એક ગોળ ગોળ બીજી ટ્યુબની એક ટીકડી આમ ગોળ ગોળ કરી આને ઘસીએ, ઉલાને ઘસીએ, અને પછી એને શું લી ટ્યુબ આવતી, સોલ્યુ એ ટ્યુબ આવતી પહેલાંની જે મૂળ આદિ એ છે, એને પછી આમ ઘસી અને પછી આમને દબાવી રાખવું પડે, પછી ટેસ્ટ કરવાનો, 10 મિનિટ દબાવે જામી ગયું હોય તો એ બડબડ બડબડ ન ભૂલે, પણ જો ક્યાંક હવારે ગઈ પાછું બડબડ બડબડ બડબડ, સ્કૂલનો ટાઈમ ચુકાઈ જાય ડ્યુટીનો આ બડબડિયામાં, હપ્તામાં લીધી હતી, સબ તીર્થ કરાઈ તુંબડિયા, સબ તીર્થ કરાઈ ગંગા નાઈ જમના નાઈ, हर जगह ना ना कराए। असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे, असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे व्रजनी
गो पीछो न मारू वन रावन। प्रणाम, जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीत नी दुनिया मऊहा के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम, जय सियाराम।